नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर अभी भी देश में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इस मामले में राज्यसभा सांसद फूलो देवी सदन में नीट के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। इस दौरान अचानक वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। आनंद फानी में उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। घटना के संबंध में बताया गया कि विरोध प्रदर्शन में हंगामा के बीच फूलो देवी बेहोश हो गई। इसके बाद सदन में खलबली मच गई। उन्हें तत्काल संसद परिसर से अस्पताल ले जाया गया, जहां वे अभी का इलाजरत है। बता दें कि फूलो देवी नेताम छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के कोडा गांव की रहने वाली है और कांग्रेस से राज्यसभा सांसद है। वे छत्तीसगढ़ में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं। वे 14 सितंबर 2020 को कांग्रेस के सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए चुनी गई थी।